गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री का जीके। आज हमें पढ़ना है चैप्टर सेवन एंड एट। सबसे पहले हम लोग चैप्टर सेवन पढ़ेंगे, यूजफुल ग्रीन्स। प्लांट गिव अस मेनी थिंग्स, हियर आर सम यूजफुल प्लांट्स, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शन एंड राइट देयर नेम्स बाय अनजम्बलिंग द जम्बल वर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के बारे में दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इनके डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफाई करना है और इनके नाम को लिखना है सही करके, क्योंकि इनका नाम क्या दिया है, जंबल वर्ड में दिया है। सबसे पहला है, दिस ट्री इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ ग्रास, इट्स शूट्स एंड लीव्स कैन बी ईटन स्पेशली इन चाइना, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पेपर, इट्स स्टेम इज़ सम टाइम यूज टू मेक हाउस एंड फर्नीचर। ये क्या है, एक तरह का ग्रास है ये जो पेड़ है, इसके शूट और लीव्स को खाया जाता है स्पेशली चाइना में, और इसका यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए, और जो इसकी स्टेम होती है उससे घर बनाने में हेल्प ली जाती है, यूज़ किया जाता है और फर्नीचर भी बनता है। तो ये है बैम्बू, BAMBOO, बैम्बू। फर्स्ट में होगा बम्बू। सेकेंड, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर एक्सट्रीमली बिटर, थ्रो दे हैव मेडिसिनल वैल्यू, इट्स ट्विग आर यूज टू ब्रश टीथ। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, फिर भी ये जो इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और जो इसकी डंठल होती है ट्विग्स, उससे क्या किया जाता है, ब्रश किया जाता है। तो ये है नीम। सेकेंड का होगा नीम। इसी तरह से थर्ड है, वी यूज़ एवरी पार्ट ऑफ दिस ट्री, हम लोग इस ट्री के हर एक पार्ट को यूज़ करते हैं, द ट्रंक इज़ यूज फॉर फर्नीचर, इसके ट्रंक को फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो इसका फल होता है उससे तेल मिलता है हमें, और जो इसका फाइबर होता है उससे रस्सियाँ बनती हैं, मैट्स बनते हैं, और जो इसका पानी होता है उसे एज अ ड्रिंक पिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और जिसका हार्ड शेल बचा हुआ होता है जिसमें फ्रूट होता है उसे एज अ बाउल यूज़ किया जाता है। तो ये है कोकोनट। थर्ड में है कोकोनट, नारियल का पेड़। फोर्थ, दिस प्लांट इज़ कंसिडर्ड होली एंड इज़ वर्शिप्ड इन एवरी हिंदू हाउस होल्ड। ये जो प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है हर एक हिंदू घर में। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उससे दवा बनाई जाती हैं। तो ये प्लांट है बेसिल, बेसिल को तुलसी भी बोलते हैं, ये प्लांट है बेसिल। फिफ्थ, दिस ट्री ग्रोज इन डेजर्ट रीजन ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो पेड़ है वो रेगिस्तान एरिया में होते हैं, रेगिस्तान का जो एरिया है स्पेशली अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, इन जो इनकी पत्तियाँ होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं वो खाया जाता है। ये है, ये क्या है, एक सोर्स ऑफ वाटर है लोगों के लिए, क्योंकि इसका ये जो ट्रंक है ये अपने ट्रंक में पानी को स्टोर करके रखता है, और इसकी पत्तियाँ होती हैं उससे दवा बनाई जाती हैं, और इसकी जो सीड्स होती हैं उससे तेल बनता है। तो ये पेड़ है बाओबाब, BAOBAB, बाओबाब। ये था हमारा चैप्टर सेवन, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करेंगे चैप्टर एट, इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स। यहाँ पर हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स आर इंटरेस्टिंग क्रिएचर। इंसेक्ट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। कुछ क्या होते हैं, पेस्ट्स होते हैं जो कि हमें दिक्कत भी करते हैं, परेशान करते हैं। हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ एन इंसेक्ट, कैन यू नेम इट्स डिफरेंट पार्ट यूजिंग द हेल्प जोन। हमें क्या करना है, जो इंसेक्ट की पिक्चर दी हुई है हमें इससे इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ए नंबर पे जो दिया है, ए, ये है इसका एंटीना, तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे एंटीना। और बी पे जो दिया है, ये है इसकी विंग्स, मीन्स पंख, तो बी में लिखेंगे विंग्स। सी नंबर पे ये है इसका हेड, तो सी नंबर पे लिखेंगे हेड। डी में दिया है, ये जो डी है ये चीज़ का है एब्डोमेन, तो डी में लिखेंगे एब्डोमेन। और ई है जो यहाँ पे, ये है इसका थोरैक्स। और एफ है, ये जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका पैर है, तो एफ में लिखेंगे लेग्स। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पेस्ट, यूज़ द क्लूज गिवन एज जंबल वर्ड। यहाँ पे क्लूज दिए हैं लेकिन जंबल वर्ड्स में दिए हैं, हमें इसे अनजंबल करना है। तो फर्स्ट है, दीज ब्लाइंड विंगलेस इंसेक्ट विथ पेल सॉफ्ट बॉडीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग इंसेक्ट।
ये जो इंसेक्ट है बहुत ही लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। बहुत ही इसकी सॉफ्ट बॉडी होती है, ये विंगलेस होता है, इसके में पंख नहीं होता है, और ये अप टू 50 ईयर्स तक, 50 साल तक ये जी सकता है। ये कौन है? ये टर्माइट्स, दे आर टर्माइट्स, TERMITES, टर्माइट्स। सेकेंड है दिस फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट, ये क्या है? बहुत ही तेज उड़ने वाली इंसेक्ट है, और इसके जो विंग्स होते हैं वो 2 पेयर्स में होते हैं, मीन्स दो ऊपर और दो नीचे होते हैं, और ये पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई, इट इज़ ड्रैगन फ्लाई। सेकेंड में है ड्रैगन फ्लाई। थर्ड, दिस इंसेक्ट हैज़ एन ऑरेंज लाइट विच इट टर्न्स ऑन वायर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग इन द मैनर सिमिलर टू एन एरोप्लेन। ये जो इंसेक्ट है ये, इसके में ऑरेंज लाइट मीन्स जलती है, और ये इस तरह से टेक ऑफ और लैंड करती है जैसे कि कोई एरोप्लेन जब टेक ऑफ करती है लैंड करती है, एकदम सेम उसी की तरह ये टेक ऑफ और लैंड करती है। इसका नाम है क्लिक बीटल, इट इज़ अ क्लिक बीटल, CLICKBEETLE बीटल, क्लिक बीटल, इसे जुगनू बोलते हैं। फोर्थ, इट इज़ अ टेनी इंसेक्ट विच स्प्रेड डिजीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, इट इज़ अ मॉस्कीटो, मच्छर ही है एक मॉस्कीटो जो कि डेंगू और मलेरिया को फैलाते हैं। फिफ्थ है फार्मर्स ब्रेड देम, दे फ्लाई इन स्वाम्स ईटिंग ईच एंड एवरी प्लांट इन साइट। ये क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, कि इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं इसको भगाते हैं क्योंकि ये पूरे प्लांट्स को खा जाते हैं। तो ये हैं लोकस्ट्स, दे आर लोकस्ट्स, फिफ्थ में होगा लोकस्ट्स। तो ये था हमारा चैप्टर 7 एंड 8, हमने इसको बुक में कंप्लीट कर लिया है, आप लोग भी इसे कर लेंगे। और अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोग GK की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले ऊपर में आप डालेंगे चैप्टर 7 एंड 8 से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ट्री इज़ यूज टू मेक पेपर एंड इट्स स्टेम इज़ यूज टू मेक हाउस, इसका आंसर है बम्बू, फर्स्ट का आंसर है बम्बू। सेकेंड, विच प्लांट इज कंसिडर्ड होली एंड इज वर्शिप्ड इन एवरी हिंदू हाउस होल्ड, इसका आंसर है बेसिल, इसका आंसर है बेसिल। थर्ड है द ट्विग्स ऑफ विच ट्री आर यूज टू ब्रश टीथ, इसका आंसर है नीम, थर्ड का आंसर है नीम। फोर्थ है विच इंसेक्ट स्प्रेड डिजीजेज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, इसका आंसर है मॉस्कीटो। फिफ्थ है राइट द अपर पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट, इसका आंसर है अपर पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट आर एंटीना विंग्स और हेड, इसका आंसर है अपर पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट आर एंटीना विंग्स और हेड। तो ये था हमारा चैप्टर 7 और 8 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छी तरह से कर लेंगे साफ साफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।